on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगा और स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिए 4 मीटर, सैंटून फैब्रिक 4 मीटर, लाइक्रा फैब्रिक 2 मीटर। सबसे पहले स्कर्ट की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर स्ट्रेट इस तरीके से रख ली है। लेंथ 41 इंच, 1 इंच का मैं इस पर वेस्ट बेल्ट ऐड करूँगी, तो इसका फुल लेंथ हो जाएगा 42 इंच का। अभी लाइनिंग कट करते हैं। तो लाइनिंग को यहाँ पे मैंने रखा है डबल फोल्ड पे और इसे कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करना है। बायस ग्रेन पे मैंने इसे सेट करके रख लिए। वेस्ट मैंने यहाँ रखा है 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। सो कॉर्नर से इस तरीके से मेजर टेप को रख के वेस्ट लाइन की लाइन को कम्प्लीट कर लेनी है। अभी यहाँ से मैं स्कर्ट का फुल लेंथ रख रही हूँ लाइनिंग की। सो यहाँ मैंने इसकी लेंथ रखा है 40 इंच। 40 इंच की मार्किंग करते हुए स्कर्ट का जो राउंड शेप है बॉटम का, मैं उसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। यहाँ पे गाइज, वन साइड पे इसका जो लेंथ है वो कम है। यहाँ पे मैं एक पैनल ऐड करने वाली हूँ। सो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर लहंगे को इस तरीके से रख के लहंगे का जो बॉटम है उसी शेप में फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से। सो ये हो गया पैनल। यहाँ पे मैंने वेस्ट बेल्ट के लिए एक स्ट्राइप कट करी है जिसका वाइड रखा है 20 इंच, लेंथ 4.5 इंच। एंड ये रहा सेकेंड लाइनिंग, इसके वन साइड को क्लोज कर लेना है। वन साइड स्टिचिंग के बाद गाइज, यहाँ पे इसके बॉटम को भी स्टिच कर लेते हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा दी हूँ। इसके ऊपर पहले मैं कैनकिन भी ऐड करूँगी। तो कैनकिन के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर कैनकिन को इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना के रेडी करी हूँ और इसे यहाँ पे लहंगे पे प्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे इस लाइनिंग की स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो एक और लाइनिंग है उसकी स्टिच करते हैं। सो इसे एक एक पार्ट करके रेडी करेंगे। तो फर्स्ट वाला मैं इसमें कली ऐड करना है। तो फैब्रिक को मैंने इस तरीके से रख लिया और कली एक साइड पे, जो इसका लेंथ शॉर्ट रह गया था, तो कली ऐड करके इसका लेंथ बराबर करेंगे। तो गाइस, इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी मैंने रेडी कर ली है। अभी इसके वन साइड को स्टिच कर देते हैं। स्टिचिंग के बाद इसके जो बॉटम है उसे भी फिनिश करनी है। फैब्रिक को यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके बॉटम को फिनिश करूँगी। तो इस तरीके से इसके बॉटम को भी मैंने फिनिश कर दिए। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को जो मैंने कट किया था 4 मीटर, तो इसमें मैं अभी प्लेट बनाऊंगी। प्लेट मैं स्मॉल साइज का रखूंगी। यहाँ पे मैं गैदरिंग बूट लगा के एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के वेस्ट लाइन पे इस तरीके से स्मॉल साइज की गैदर्स बना ले रही हूँ। इसका साइज मैंने रखा है लहंगे का जो वेस्ट है, वेस्ट राउंड, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके नेट वाले फैब्रिक का भी साइज रख लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला जो लाइनिंग है जिसमें मैंने कैन ऐड की थी उसके ऊपर मैंने दूसरा लाइनिंग रखा है और सबसे ऊपर मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में जो मैंने गैदर बनाया था उसे रख रही हूँ और वेस्ट लाइन पे तीनों फैब्रिक को साथ रख के एक स्टिच लगा देनी है।
सो गाइस स्टिचिंग के बाद अब इस पे मैं वेस्ट बेल्ट भी ऐड करूँगी। उससे पहले इसके साइड को फिनिश करते हैं। तो तीनों फैब्रिक को यहाँ पे मैं इस तरीके से बराबर रख ले रही हूँ और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। अभी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। दूसरे साइड पे मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ दिए साइड पे और इसके यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। अभी गाइस ये जो फैब्रिक है इसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देनी है। अब इसके वेस्ट को मेजर कर लेते हैं और इसका वेस्ट है 18 इंच। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में 18 इंच का ही फैब्रिक लेना है। तो जो इसमें एक्स्ट्रा है वो मार्जिन के लिए मैंने छोड़ा है। इसके ऊपर मैंने नेट और इनर फैब्रिक दोनों रखा है। अभी वेस्ट बेल्ट के लिए स्ट्राइप को नीचे रखनी है, लहंगा इसके ऊपर रखना है और इसके वेस्ट लाइन पर एक स्टिच लगा देनी है। लास्ट वाले साइड पे भी मैंने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने रखा था उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और स्ट्राइप को एक बार फोल्ड करके मार्जिन को कवर करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। सो गाइज ये रहा लहंगे का फाइनल लुक। इस लहंगे को मैंने पेयर किया है पेपलम टॉप के साथ। सो टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।